वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वेरी गुड इवनिंग प्रांजलिंग गुड सब लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे और अच्छे से होंगे भी तो चलिए आज की टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक हमारी है पाइप एंड सिस्टर्न सर ये क्या नया चीज आ गया पाइप एंड सिस्टम देखिए पाइप एंड सिस्टम भी एक तरह से टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है Time and work के अंदर ही ही हम हम लोग लोग ये पढ़ेंगे। मैं बिल्कुल ठीक सोनू। तो time and work का ही extension है pipes and system. जो भी चीज़ हम लोग time and work में कर रहे थे वही पाइप एंड सिस्टम में भी करेंगे कैसे वो हम लोग समझेंगे वेरी गुड इवनिंग सग्निका प्रीतम वर्ल्ड न्यूज क्या बात है वर्ल्ड न्यूज भी अटेंड कर रहे हैं सेशन वेरी गुड तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये अनुष्का पूछना है सर पी क्यू आर एस आर वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट वेरी गुड क्यू फिनिश टास्क इन ट्वेंटी पर डे वर्क बाई टी फाइव वर्किंग ट्वेल्व आवर्स अ डे तो पूरा आर्स में बदल दीजिए ना क्यू को क्यू कैन फिनिश अ टास्क इन ट्वेंटी फाइव डेज वर्किंग ट्वेल्व आवर्स अ डे ट्वेल्व आवर्स अ डे मतलब ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेल्व कीजिए मतलब ये आपको हो गया टू फिफ्टी प्लस फिफ्टी मतलब थ्री हंड्रेड आवर्स मान के चलिए कैन फिनिश द टास्क इन थ्री हंड्रेड आवर्स ओके आर कैन फिनिश द टास्क इन फिफ्टी डेज वर्किंग ट्वेल्व आवर्स अ डे तो यह आपको हो गया फिफ्टी डेज मतलब पांच सौ और सौ मतलब सिक्स हंड्रेड आवर्स आवर्स में बदल के चलिए फर्दर आपने कहा कि क्यू वर्क ट्वेल्व आर्स अ डे बट टू सिक लिवस इन द बिगिनिंग ऑफ टू डेज अच्छा बारह घंटे काम कर रहा था क्यू लेकिन दो तो सिकलीव लगाया पहला दो दिन तो आज होते पहले दो दिन के कम हो गए आर वर्क अ डे अच्छा ऑन द ऑल द डेज वॉट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय क्यू एंड आर आफ्टर सेवन डेज फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट नमस्ते नमस्ते जूम तो चलिए सबसे पहले यहां पर अनुष्क ही क्वेश्चन का क्लैरिफिकेशन कर दे अनुष को हिंट दे देंगे तो शायद अनुष्ठ उसे कंप्लीट कर लेंगे अनुश यहां पे पर दिया है कि पी क्यू कैन फिनिश अ टास्क इन ट्वेंटी फाइव डेज क्यू जो है वो ट्वेंटी फाइव डेज में कर सकता है और ये भी इन्होंने दे रखा है ट्वेल्व आवर्स पर डे राइट ट्वेल्व आवर्स पर डे ओके ट्वेल्व आवर्स पर डे ट्वेल्व आवर्स पर डे तो क्या इस चीज को आप पूरा आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप आवर्स में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा ट्वेंटी ये, ये हो गया इक्वल टू थ्री हंड्रेड आवर्स में वो पूरा काम कर सकता है right, evening, अभी, अभी, अभी अग, आगे कोई भी यहां पे टाइप मत कीजिएगा कुछ पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट कर ले कैन फिनिश द टास्क इन ट्वेंटी डेज अब आर के केस में इन्होंने कह रखा है कि आर फिफ्टी डेज में कर सकता है और वर्किंग ट्वेल्व आवर्स अडे मतलब सेम ट्वेल्व आवर्स अडे राइट ट्वेल्व आवर्स यस ट्वेल्व आवर्स अडे तो ट्वेल्व आवर्स अडे पर डे अगर हम रखें तो टोटल कितने आवर्स उसे लगेंगे अगर टेन आवर्स रहता तो फाइव हंड्रेड आर्स प्लस सिक्स हंड्रेड आर्स तो ये सिक्स हंड्रेड आर्स काम कर सकता है कौन आर सिक्स हंड्रेड आवर्स में काम कंप्लीट कर सकता है फर्दर ललित गुड इवनिंग एक मिनट एक मिनट ललित लुक जाइएगा वेरी गुड इवनिंग लेकिन एक बार वो क्वेश्चन फिर ऊपर चला जाएगा तो फिर मुश्किल होगा फर्दर uh, इन्होंने दिया क्यू वर्क ट्वेल्व आवर्स अ डे ओके कोई दिक्कत नहीं है ट्वेल्व आवर्स अ अडे बट टू सिक लीव इन दिग्निंग ऑफ टू डेज आर वर्क एटीन आवर्स अ डे ऑन ऑल डेज आर वर्क एटीन आवर्स अ डे ऑन ऑल डेज क्यू और आर के बारे में ही सिर्फ बता रहे हैं ये पी और एस कहां चले गए पी और एस घूमने गए क्या आ वर्क एटीन आवर्स अ डे ऑन ऑल डेज द रेशियो ऑफ वर्क डन क्यू एंड आर आफ्टर सेवन डेज फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट ओके सेवन डेज में कितना काम हुआ होगा सेवन डेज मतलब कितने आवर्स सेवन डेज मतलब कितने आवर्स काम करना है सेवन डेज तो सेवन इंटू ट्वेंटी फोर लिख लेते ना सेवन डेज सेवन इंटू ट्वेंटी फोर एटी फोर रामाशीष एटी फोर क्यों एटी फोर क्यों आएगा ओके चलिए सेवन डेज में देखना है हमें अब यहां पे इन्होंने दे रखा है कि आर जो है वो काम कर रहा है एटीन आवर्स पर डे ओके एटीन आवर्स पर डे तो कितने दिन वो काम खत्म कर सकता है कितने दिन में आर वर्क एटीन आवर्स इन ऑल डेज वॉट इज द रेश डन बास अ डे तो देखिए क्यू का क्योंकि ट्वेल्व आवर्स पर डे ही दे रखा है इन्होंने ट्वेल्व आवर्स ही काम कर रहा है तो हमको यह थ्री हंड्रेड की जरूरत नहीं पड़ेगी हम क्यू का पर डे वर्क वन बाय ट्वेंटी फाइव ले लेंगे डायरेक्टली पर डे वर्क ओके okay? अब आर के केस में हम लोग क्या करेंगे क्योंकि ये 18 आवर्स काम कर रहा है तो हम 600 को 18 से डिवाइड कर दें तो कितने डेज में होना चाहिए 600 डिवाइडेड बाय 18 कितना होना चाहिए अब क्यों इसे 18 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि वो 18 आवर्स पर डे काम कर रहा था तो 600 को 18 से डिवाइड करेंगे तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो 6 3 18 और 600 जा 600 है ना राइट तो 100 3 100 3 मतलब 100 3 डेज लगेगा उसे तो क्या मैं कह सकता हूं आर का पर डे वैल्यू हो गया थ्री बाय हंड्रेड ओके ये आर का पर डे वैल्यू यू क्यू का पर डे वैल्यू अब पार्ट ऑफ द वर्क एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाइएगा अब हम डेज ये हमें आस में जरूरत ही नहीं अब हम डेज ही निकाल लिए ये पर डे का वर्क है क्यू और आर का ओके okay, अब इन्होंने सेवन डेज में काम कितना क्यू और आर कितना काम किए है उसका रेशियो चाहिए ओके okay, रेशियो चाहिए क्यू इज टू आर का कितना वर्क हुआ है सेवन डेज में

थ्री ट्वेंटी वन मतलब फोर इंस टू थ्री रेश अनु फोर इंस टू थ्री हुआ थ्री अनुर डेज में कितना काम हुआ है ये पर डे वर्क हमने निकाला क्यू का क्योंकि वो ट्वेल्व आवर्स ही काम कर रहा था तो सेम हम ट्वेंटी फाइव मान के पर डे वर्क निकाल लिए और ये पर डे वर्क दो दिन लीव भी लिया था अच्छा वो क्वेश्चन तो ऊपर चला गया अगर दो दिन लिव लिया था ना तो हम लोग क्या करेंगे सेवन की जगह यहाँ पे सिर्फ फाइव लिखेंगे अगर ये दो दिन लिव होगा अगर यहाँ पे दो दिन लिव की बात हो रही होगी तो ये जो हम लोग कर रहे थे इसकी जगह में ये जो हम सेवन डेज की जगह सिर्फ फाइव डेज ही करेंगे तो ये आपको फाइव बाय ट्वेंटी फाइव हो जाएगा इस टू ट्वेंटी वन बाय हंड्रेड ये तो ट्वेंटी वन बाय हंड्रेड ही होगा क्योंकि सात सातों दिन काम कर रहा है लिव कौन लिया था क्यू लिया था या पी लिया था लिव कौन लिया था क्यू लिया था ना क्यों लिया था तो क्यू को सात की जगह हम पांच दिन रख लेंगे Is it clear? तो पांच दिन रखेंगे तो ये कितना हो गया ट्वेंटी फाइव फोर या हंड्रेड तो फाइव फोर द्वेंटी ट्वेंटी वन आंसर होगा उस केस में उस केस में ट्वेंटी ट्वेंटी वन होगा अब क्लियर है अनुष अगर लिव पे है दो दिन तो, तो दो दिन का काम कम कर देंगे सात दिन में दो दिन कम परवेज पूछ बोल रहे हैं कि क्वेश्चन एक बार और पूछो यस अनुष क्लियर है करेक्ट ऑप्शन अच्छा मतलब आप मुझे पूछे मुझे चेक कर रहे थे क्या अनुष कि सर पता नहीं करेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे शायद गलत कर दे अच्छा करेक्ट ऑप्शन मतलब वहां पे है वो आप बोल रहे हो यही आंसर उन्होंने दे रहा क्या आप तो क्लियर है अनुष यस ओके okay, चलिए तो हम लोग आज की टॉपिक पाइप्स एंड सिस्टम में क्या समझने वाले हैं जैसा कि हमने कल आपको वादा किया था कि मैं आपको एक ब्रेन स्टॉमिंग क्वेश्चन दूंगा तो आज मैं आपको नहीं क्लियर है अनुष्ठ अच्छा मुझे चेक नहीं कर रहे ये बोलना है उनका क्लियर है ना अनुष नो डाउट ओके चलिए समझते हैं. तो हम लोग पाइप एंड सिस्टेंट कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे हम लोग ब्रेन क्लॉक का जैसा मैंने वादा किया था क्लियर है very good जो clock का था वो भी हम लोग discuss करेंगे very good evening, science, नवनीत। अब सब लोग good evening बोल सकते हैं विश्रुत सौरभ प्रीतम ओके okay, तो चलिए मूविंग द यहां पे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे कुछ पाइप एंड सिस्टेंट के तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं ओके okay, सबसे पहले हम वो ब्रेन क्वेश्चन आपको दे रहे हैं देखिए हेलो ऐश तो ब्रेन क्वेश्चन का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही टफ क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन है ध्यान से सुनिए क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं दे रहा हूं पहले ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन आज से करीब सिक्स मंथ्स बैक की बात है छह महीने पुरानी बात है आई वाज बिजी इन सम कैलकुलेशन और मुझे घर से आदेश आया घर से मतलब आपको पता ही होम मिनिस्ट्री से आदेश आया कि गो टू द शॉप एंड गेट मिंट दुकान जाओ और मिंट लेकर आओ मिंट क्या बोलते हैं आप लोग हिंदी uh, में बोलते पुदीना Am I right? पुदीना लेकर आओ वेरी गुड इवनिंग सुशांत पुदीना ही बोलते हैं ना मिंट को क्या बोलते हैं पुदीना ही बोलते हैं यस हिंदी में यस एग्जैक्टली सौरभ तो उन्होंने कहा कि जाओ पुदीना लेकर आओ अनुष बोल रहे हैं पुदीना लाना गेट 2016 का दो का अच्छा वो क्वेश्चन दोमा का था ओके okay, ओके okay. मैं सोचा पुदीना की बात कर रहे हैं आप ओके okay, तो चलिए तो यहाँ पे Uh, मैं कह रहा था कि उन्होंने कहा कि आप जाके पुदीना लेकर आओ जैसा मुझे याद है ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए। जैसा मुझे याद है, शाम के पांच और छह गया हूं पुदीना लाने मतलब पांच बजे के बाद की टाइमिंग थी लेकिन छह बजे से पहले की टाइमिंग थी फाइव पीएम से सिक्स पी के बीच में मैं कहीं गया था ओके, उन दोनों के बीच में कोई, कोई टाइमिंग में मैं घर से बाहर गया था पुदीना लेने और मैं पुदीना लेकर घर वापस आया हूं मिंट लेकर घर वापस आया हूं समवेयर इन बिटवीन सिक्स एंड सेवन मतलब शाम के छह बजे के बाद और सात बजे से पहले सिक्स पी एम सेवन के बीच में कोई टाइमिंग में मैं वापस आया हूं क्लियर है पांच और छह के बीच में मैं बाहर गया छह और सात के बीच में मैं वापस आया वापस आने के बाद मैंने क्या देखा कि मिनट हैंड आर हैंड क्लॉक के जो मिनट हैंड आर हैंड होते हैं वो एग्जैक्टली exactly अपने पोजिशन को इंटरचेंज कर दिए मतलब जाने वक्त जहां पे मिनट हैंड था वहां आर हैंड पहुंच गया और जाने वक्त जहां पे आर हैंड था वहां मिनट हैंड पहुंच गया तो एग्जैक्ट कितने बजे मैं घर से बाहर गया वो वाली टाइमिंग आपको बतानी है एग्जैक्ट टाइमिंग कितने बजे मैं घर से बाहर निकला हूं पांच और छ के बीच की एग्जैक्ट टाइमिंग वो बतानी है ऐसी टाइमिंग आपको बतानी है कि जब मैं वापस आऊं छे और सात के बीच में तो एग्जैक्टली मिनट हैंड आर हैंड पोजिशन को इंटरचेंज कर दे वेरी गुड इवनिंग मानसी समझ में आ रहा है क्वेश्चन नहीं सर बोर्ड पे ही बता दीजिए बोर्ड पे मैं क्वेश्चन आपको डिस्प्ले कर देता हूँ ए मैन वेंट आउट फॉर इवनिंग वॉक इन बिटवीन अच्छा यहाँ पे शाम का इवनिंग वॉक है मैं पुदीना लेने गया था इवनिंग वॉक इन बिटवीन फाइव पी एम टू सिक्स पी एम एंड वॉज बैक होम इन बिटवीन सिक्स पी एम टू सेवन पी एम आफ्टर रीचिंग होम ही ऑब्जर्व डैट मिनट हैंड एंड आर हैंड हैज इंटरचेंज दियर पोजिशन एट वॉट टाइम डिड द मैन वेंट आउट फॉर वॉक कितने बजे वो घर से बाहर निकला बाहर गया था पांच और छह के बीच में मानसी लेट हो गए कोई बात नहीं कोई बात नहीं मानसी वेरी गुड इवनिंग सौरभ का कहना है पांच पैंतालीस। सौरभ फाइव फोर्टी फाइव में मिनट हैंड कहां पे है सौरभ फाइव फोर्टी फाइव में मिनट हैंड एग्जैक्टली नौ पे है नाइन पे है मतलब वापस आने वक्त मिनट हैंड एग्जैक्टली नौ मिनट हैंड अगर एग्जैक्टली exactly 9 पे है तो वापस आने वक्त आर हैंड 9 पे होना चाहिए मतलब मैं 9 बजे वापस आया होऊंगा पॉसिबल ही नहीं ना मैं 6 और 7 के बीच में ही वापस आ गया हूँ तो वापस आने वक्त टाइमिंग क्या होनी चाहिए एग्जैक्टली exactly 9 और एग्जैक्टली exactly 9 में मिनट हैंड की बात भी कीजिए तो वो 12 पे रहेगा पोजीशन एग्जैक्टली इंटरचेंज कहाँ पे हुआ आर यू गेटिंग सर समझ में आया सोनू का कहना है 5:30 वेरी गुड सोनू तो अगर हम 5:30 टाइम लेते हैं मान लीजिए मैं फाइव थर्टी में बाहर गया हूं तो उस समय मिनट हैंड कहां पे 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 था पे था था एग्जैक्ट एग्जैक्ट ध्यान से सुनिए ऐश आप भी सुनिएगा में मिनट हैंड मतलब जब मैं वापस आया उस समय आर हैंड एग्जैक्ट सिक्स पे होना चाहिए अगर हर हैंड एग्जैक्ट सिक्स पे रहेगा तो मिनट हैंड ट्वेल्व पे चला जाएगा ना मिनट हैंड फिर ट्वेल्व पे एग्जैक्ट होना चाहिए तो ये एग्जैक्ट इंटरचेंज कहां हुआ एकदम पोजिशन इंटरचेंज होना है एश सोनू थर्टी फाइव इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बीजी फाइव थर्टी फाइव पे मिनट हैंड कहां पे है सात पे है तो आने वक्त आर हैंड अगर सात पे रहेगा तो मिनट हैंड बारह पे रहेगा ना कैसे पॉसिबल है कि मिनट हैंड आर हैंड एकदम इंटरचेंज हुए फाइव थर्टी फाइव में, 535 में। तो इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपने क्लॉक टॉपिक अटेंड की है क्लॉक का टॉपिक पढ़ा है यस नो सर आपने पढ़ाया नहीं तो हमने पढ़ा नहीं देखिए क्लॉक के लिए भी मैंने बहुत सारे सेशन लिए हैं यूट्यूब पे भी मैंने लिया है क्वेश्चन बहुत सारे क्लॉक्स के क्वेश्चन तो स्क्रीन पे है ना क्वेश्चन है मानसी स्क्रीन पे अनुष नहीं पढ़े संदीप नहीं पढ़े हैं तो एक बार वो क्लॉक टॉपिक को देखिएगा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है ओके आप देखिए क्लॉक टॉपिक को पूरा समझिए प्रीतम कर रहे हैं फाइव थर्टी टू नहीं एग्जैक्ट फाइव थर्टी टू नहीं है प्रीतम मुझे एग्जैक्ट टाइम चाहिए प्रांजली का कहना है फाइव थर्टी टू फोर बाय फोर्टीन नहीं प्रांजलि एग्जैक्ट नहीं है फोर बाय फोरटीन को आप सेवन टू बाय सेवन भी तो लिख सकते हैं प्रांजली मानसी क्वेश्चन समझा दो बिल्कुल बिल्कुल ललित फाइव थर्टी फाइव पॉसिबल ही नहीं है फाइव थर्टी फाइव पे मिनट हैंड एकदम साथ पे रहेगा तो आर हैंड कहाँ पे जाएगा आर हैंड माय डियर फ्रेंड पे रहेगा पांच के बाद रहेगा अब वापस आने वक्त वो पोजिशन इंटरचेंज करेंगे तो आर हैंड एकदम साथ पे चला जाएगा तो मिनट हैंड तो बारह पे चला जाएगा पॉसिबल ही नहीं है 537 और भी पॉसिबल नहीं वो सात से आगे हो गया नागा साई अनुज फाइव थर्टी एक्जैक्ट पॉसिबल ही नहीं है ना फोर बाइ थर्टीन लिखना था प्रांजली वेरी गुड मार्वलस जीनियस एक्सिलसनियनरी प्रांजली आपका आंसर बिल्कुल सही है एग्जैक्टली वेरी गुड अब प्रीतम भी आंसर दिए वेरी गुड प्रीतम फाइव थर्टी टू फोर बाई थर्टीन आंसर है वेरी गुड वेरी गुड नहीं सोनू फाइव थर्टी फाइव नहीं है गुड इवनिंग साके बामबित फाइव ट्वेंटी सेवन सर आर हैंड क्या है आर हैंड मतलब आवर वाली सुई मिनट वाली सुई संदीप सुई नाम सुने घड़ी में सुई होती है कितनी सुइया होती हैं? हिंदी में कितनी सुइया होती कितने निडल होते हैं? एक आर हैंड को मतलब आर निडल है और एक मिनट हैंड मतलब मिनट निडल है ओके संदीप चलिए चलिए समझते हैं तो कुछ लोग को हो सकता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया होगा क्योंकि क्लॉक की कुछ बहुत सारी चीज़ें आपने अभी तक पढ़ी नहीं है एक बार उसे पढ़िएगा क्लॉक सिर्फ फार्मूला बेस पे नहीं होता है आपको उसको समझना होता है कि हम क्या कैसे उसमें क्या लॉजिक लगा रहे हैं ओके तो हम टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से भी क्लॉक को कर सकते हैं ओके तो समझेंगे वो सारी चीज़ें तो आगे जब भी फिर से सेशन होगा क्लॉक का तो मैं आपको बता दूंगा ओके तो चलिए पहले अभी समझ लेते हैं तो अब कह रहे हैं आर हैंड आर हैंड नहीं अच्छा वही वो शॉर्टकट में वही बोलना चाह रहे थे वो संदीप बोल रहे थे आर हैंड मतलब आर हैंड प्रनाउंसिएशन में कंफ्यूज हो गया क्या संदीप तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को देखिए दो तरह के से हम घड़ी को देख रहे हैं एक तो हम जब घर से निकल रहे हैं तो हमने घड़ी देखी फिर हम वापस आए तो हम उसी घड़ी को देखें सेम घड़ी को सेम क्लॉक को देखें ओके बारह छ तीन नौ दस ग्यारह आठ सात पाँच चार दो एक वही सु घड़ी है बारह तीन सॉरी बारह छ तीन नौ दस ग्यारह आठ सात पाँच चार दो एक अब ध्यान से समझिएगा सर ई एम कब स्टार्ट होगा ई e एम मतलब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कब स्टार्ट करवाना है आप लोग बोलिए हाँ घंटे की सुई हाँ एग्जैक्टली सौरभ एक कब स्टार्ट करवाना है मैथ्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कब से स्टार्ट करवा रहे हैं कब से स्टार्ट करवाना है कुछ वादा किया था क्या मैंने अनुष कुछ वादा किया था क्या कि इंजीनियरिंग मैथ्स स्टार्ट हो कर दूंगा मानसी कह रहे हैं सर कल से स्टार्ट कर दीजिए वेरी गुड ललित कह रहे हैं मंडे से रहे हैं जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मतलब प्रीतम आप कहना क्या चाह रहे हो तुरंत से पहले स्टार्ट करवा दो तुरंत से भी पहले स्टार्ट कीजिए सर लोग बोलते हैं ना बेटर देन द बेस्ट उसी तरह तुरंत से भी पहले स्टार्ट यस डेफिनेटली प्रीतम सौरभ कह रहे सर आज से ही शुरू कर दो शुरू हो गया फिर यस अनुज कह रहे सर नए सर आए हैं एकदम बिल्कुल नए एकदम फ्रेश ऐसा नहीं है सर को बहुत एक्सपीरियंस है तो मैं सर के बारे में आपको बिल्कुल एक शेड्यूल लूंगा ओके बता दूंगा मैं सर को आपसे इंट्रोड्यूस करा दूंगा टेंशन मत लीजिए ओके और सर भी एक्जैक्टली exactly मेरे फेवरेट हैं मैंने सर के क्लासेस अटेंड नहीं किया है लेकिन मैंने बच्चों के मुंह से सुना है कि सर का भी पढ़ाने का तरीका मेरे तरीके से मिलता जुलता है वो भी लॉजिकल थिंकिंग के बारे में बात करते हैं फॉर्मूला तो होगा ही मैथ्स में लेकिन लॉजिकल जो लॉजिक है क्यों वो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ये वजह हमें पता होता है ना तो हम लोग कभी कंफ्यूज ही नहीं होते हैं और हर क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से सॉर्ट आउट कर लेते हैं हाउ सर के बारे में मैं बताऊंगा और मंडे से आपकी सेशन स्टार्ट होने वाली है कितने बजे ये मैथ स्टार्ट होगी वो इसी टाइम पे स्टार्ट करेंगे मैथ्स यूट्यूब पे इसी टाइम पे इंजीनियरिंग मैथ्स स्टार्ट होगी तो सर के साथ मैं आऊंगा मंडे को टेंशन मत लीजिए ओके ललित बोल रहे हैं, नहीं सर सबका तरीका अलग अलग है बिल्कुल अलग अलग तरीका होता है प्रेजेंटेशन का लेकिन अच्छी बात मुझे, मुझे क्या लगी उनमें बच्चे बता रहे थे कि सर बिल्कुल लॉजिकल एकदम बता देते हैं तो बहुत मजा आता है समझ में आता है चीजें ललित ओके तो चलिए चलिए हम हम लोग मिलेंगे सर से डोंट वरी ओके तो तब जब तक हम लोग ये कवर कर लेते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे ये घड़ी मैंने जाने वक्त देखी थी वापस आके सेम घड़ी देखने वक्त मैंने देखा कि पोजीशन इंटरचेंज हुआ है बिल्कुल बिल्कुल सौरभ नहीं नहीं विश्वत नहीं 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 बस एप्टीट्यूड का साथ अभी तक तो इतना ही अभी हम लोग पॉज लगा देते हैं एप्टीट्यूड को क्योंकि तो मैथ्स आप लोग को इंपॉर्टेंट है मैथ्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मैंने वादा कर दिया था कि पंद्रह तारीख से मेरी पहली सेशन में ही मैंने बोल दिया था पंद्रह तारीख से मैथ्स इंजीनियरिंग मैथ्स की क्लास लगेगी इसी टाइम पे तो डेफिनेटली इंजीनियरिंग मैथ्स पंद्रह तारीख से स्टार्ट होने वाला है ओके okay, विश्रुत मानसी हमारा साथ अभी तक का है ऐसा नहीं है अभी जस्ट एक पॉज दे रहे हैं अभी मैथ्स चलने दीजिए क्योंकि मैथ्स भी इक्वल इंपॉर्टेंट है स्पेशली आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो विश्वत बोले सर ऐसे मत करो तूसी ना जा बिल्कुल बिल्कुल फोर बाय थर्टीन मैं बता रहा हूं एश आई एम एक्साइटेड मानसी ओके हाउ यू विल फाइंड इतना सुपर अच्छा यस yes, सौरभ प्रीतम मैं कहीं नहीं जा रहा हूं मैं आ रहा हूं प्रीतम बोल रहे सर विल मिस यू मी टू प्रीतम मी टू मी टू लेकिन जल्दी वापस आऊंगा फिर नए कॉन्सेप्ट और नए टॉपिक के साथ ऐसा नहीं बोलते सर हाँ बिल्कुल बहुत जल्दी बहुत जल्दी संदीप मैथ्स की क्लास आपकी मंडे से स्टार्ट होगी उसके पहले एक सेशन होगा हमारा डोंट वरी वो सेशन अटेंड कीजिएगा पूरा प्लान समझ में आएगा फिर से एप्टीट्यूड ये सब कुछ समझ में आएगा ओके तो चलिए नहीं लास्ट क्लास नहीं है अभी तो क्लास कंटिन्यूशन है अभी तो हमने शुरुआत की है पढ़ाई ऐसे ही कैसे लास्ट क्लास रोहित लास्ट कुछ नहीं होता है अभी तो हमने शुरू किया है ये तो बस शुरुआत है अभी देखिए आगे आगे क्या होता है आप भी मिस करेंगे कोई बात नहीं मैं भी मिस करूंगा आप सब लोगों को मिस करूंगा बिल्कुल 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 तो चलिए यहां पे समझते हैं कि मैं कह रहा था कि मैं घर से बाहर निकला हूं पांच और छ के बीच में ओके इसका मतलब उस समय हैंड पांच और छह के बीच में कहीं भी होगा चलिए एक फ्रेश हम एक नया लेके समझते हैं इसको उस समय आर हैंड पांच और छह के बीच में कहीं भी हो सकता है देखिए एग्जैक्ट पोजिशन तो मैं नहीं बता सकता हूं लेकिन कहीं भी पांच और छह के बीच में आर हैंड होगा और और मैं घर वापस आया छत के बीच में इसका मतलब उस समय आर हैंड और छत के बीच में कहीं होगा देखिए एग्जैक्ट पोजिशन तो मैं अभी नहीं बता रहा हूं लेकिन कहीं भी बीच में हो सकता है छ और सात के बीच में कहीं भी हो सकता है हेमा राइट कहीं भी बीच में आ सकता है वो अब मैंने क्या कहा वापस आने के बाद मैंने देखा है आर हैंड मिनट हैंड अपने पोजीशन को एग्जैक्टली इंटरचेंज किए अपने पोजीशन को बदल दिए मतलब जाने वक्त जहां पे आर हैंड था आने वक्त वहां पे आ गया मिनट हैंड और जाने वक्त जहां पे मिनट हैंड था आने वक्त आ गया आर हैंड मतलब टाइमिंग लगभग कुछ ऐसा हो रहा होगा एम राइट ये जो येलो कलर वाली सुई है हैंड नहीं बोलूंगा मैं चलिए सुई बोल रहा हूं येलो कलर वाली जो सुई है ये मिनट वाली सुई है और ये जो सफेद वाली सुई है ये आर वाली सुई है या घंटे वाली सुई है क्लियर ओके एश मिस यू सर नो नीड टू मिस आई मिस यू ऑल ओके ऐसा कुछ भी नहीं मिस करने की जरूरत नहीं है मैं आ जाऊंगा बीच में आप टेंशन मत लीजिए अब समझते हैं कि जब मैं कह रहा हूं कि पोजीशन एग्जैक्टली इंटरचेंज किए हैं इसका मतलब यह होगा कि जितना एंगल यहां पे है उतने ही एंगल यहां 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 पे पे भी भी होना होना चाहिए चाहिए पोजीशन एग्जैक्टली बदला है इसका मतलब जितना एंगल यहां पे, उतने ही यहां भी होना चाहिए। एंगल एंगल उतना ही तो सेम रहना चाहिए अब अगर मैं कहूं कि यहां पर एक्स डिग्री एंगल है तो यहां पर भी एक्स डिग्री एंगल होगा अब चलिए मिनट हैंड आर हैंड की मूवमेंट को समझते हैं जितने लोगों ने क्लॉक के टॉपिक अटेंड की है वो लोग रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा जो लोग नहीं अटेंड किए हैं कोई बात नहीं ओके आप एक बार अटेंड कीजिएगा क्लॉक टॉपिक तो आपको समझ में आएगा क्या आप मुझे बता सकते हैं जितने लोग क्लॉक टॉपिक अटेंड किए हैं मिनट हैंड की स्पीड क्या, है? क्या होती है कितने डिग्री पर मिनट मूव करता है मिनट हैंड किसी को याद है मिनट हैंड की स्पीड क्या होती है सिक्स डिग्री पर मिनट वेरी गुड सौरभ वेरी गुड सुपर और आर हैंड की स्पीड क्या होती है यस अमित सिक्स डिग्री पर मिनट नर्वस वो फाइव पॉइंट फाइव वाला तो रिलेटिव स्पीड है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे नर्वस इसका मतलब आपने अटेंड किया है यस yes, रामाशीष आपने अटेंड किया है तभी आप फाइव पॉइंट फाइव बोल रहे हैं वो तो रिलेटिव स्पीड है मानसी से सिक्स डिग्री पर मिनट यस बी की सिक्स डिग्री पर मिनट अमित थर्टी डिग्री तो गैप होता है दो तो नंबर के बीच में ललित सिक्स डिग्री पर मिनट सिक्स डिग्री पर मिनट ओके रामश्री सिक्स डिग्री पर मिनट तो okay. मिनट हैंड तो की मूवमेंट होती है सिक्स डिग्री पर मिनट बिल्कुल सही बताया ने अब आर हैंड की मूवमेंट क्या होती है आर हैंड की मूवमेंट क्या स्पीड होती है हाफ डिग्री पर मिनट वेरी गुड प्रांजल एक्जैक्टली हाफ डिग्री हर एक मिनट में वो हाफ डिग्री कवर करता है आर हैंड की तो मैं यह कह सकता हूं कि जितनी देर में मिनट हैंड सिक्स डिग्री कवर करता है उतनी देर में आर हैंड कितना डिस्टेंस कवर करता है हाफ डिग्री या पॉइंट फाइव डिग्री क्योंकि मिनट हैंड की मूवमेंट होती है सिक्स डिग्री पर मिनट आर हैंड की मूवमेंट होती है हाफ डिग्री पर मिनट कैसे आया ये या आप उस टॉपिक को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे हमने निकाला वो भी आ जाएगा ओके अब यहां से क्या आप बता सकते हैं कि अगर मिनट हैंड ट्वेल्व डिग्री मूव करेगा तो आर हैंड कितना डिस्टेंस कवर करना चाहिए मिनट हैंड डिग्री कवर करता है तो आर हैंड हाफ डिग्री कवर करता है क्यों क्योंकि मिनट हैंड की मूवमेंट हो गई छे डिग्री पर मिनट आर हैंड की मूवमेंट है हाफ डिग्री पर मिनट जितनी देर में मिनट हैंड डिग्री कवर करेगा आर हैंड हाफ डिग्री कवर करेगा अब जितनी देर में मिनट हैंड बारह डिग्री कवर करेगा आर हैंड कितना कवर करना चाहिए ऑब्वियसली वन डिग्री या नहीं तो इसको डबल किया इसको भी डबल कर दिया हमने या नहीं तो हम रिवर्स में कह सकते हैं कि आर हैंड अगर हाफ डिग्री सॉरी वन डिग्री कवर कर रहा है तो मिनट हैंड कवर करेगा 12 डिग्री इसी चीज को हम रिवर्स में बोल रहे हैं अब आर हैंड अगर एक्स डिग्री कवर करेगा तो मिनट हैंड कितना कवर करना चाहिए मिनट right? है? हैंड वन डिग्री कवर करेगा तो मिनट हैंड ट्वेल्व डिग्री कवर करेगा वन को अगर मैं एक्स लिख दो आर हैंड एक्स डिग्री कवर करेगा तो मिनट हैंड ट्वेल्व इंटू एक्स ट्वेल्व एक्स डिग्री कवर करेगा क्लियर है सबको यस yes, सौरभ मानसी सुशांत देखिए वेरी गुड वेरी गुड अब यहां पे अगर आप वापस से इस डायग्राम को देखिए तो आवर हैंड ये जो व्हाइट वाला है ये आर हैंड है आर हैंड यहां से यहां तक पहुंचा है मतलब एक्स डिग्री कवर किया है आर हैंड ये वाला एक्स डिग्री कवर किया है इतने ही टाइम में मिनट हैंड को कितना कवर करना चाहिए ट्वेल्व डिग्री लेकिन मिनट हैंड क्या किया है इस पोजिशन से ये येलो वाला मैं बात कर रहा हूं येलो वाला जो है ऐसे घूम के यहां पे आर हैंड के पास आ गया यहां पे जहां पे आर हैंड था वहां आ गया मतलब वापस अपनी जगह पे आ जाता तो 360 डिग्री कवर कर लेता लेकिन पूरा 360 डिग्री कवर नहीं किया है, मिनट हैंड कितना कवर किया है कोई मुझे बता सकता है है जब आर हैंड यहां यहां से उठ के आया ओके उतनी देर में मिनट हैंड पूरा ऐसे क्लॉकवाइज घूम के वापस अपनी जगह पे नहीं आया आर हैंड तक आया था जहां पे पहले आर हैंड था मतलब 360 सिक्सटी माइनस एक्स कवर कर रहा है वेरी गुड सौरभ यस मानसी यस आर्या यस नर्वस यस साई यस प्रांजलि एग्जैक्टली किरण एक्सैक्टली बीजी एग्जैक्टली संदीप एग्जैक्टली सग्निका इट मीन वी कैन से थ्री सिक्स एक्स मूवमेंट एंड ट्वेल्व एक्स मूवमेंट बोथ आर सेम कैसे सर कैसे सेम हो गया दोनों क्योंकि तो जितनी देर में आर हैंड एक्स कवर कर रहा है फिगर के अनुसार डायग्राम के अनुसार उतनी देर में मिनट हैंड 360 सिक्सटी माइनस एक्स कवर कर रहा है और प्रोसेस के अनुसार कॉन्सेप्ट के अनुसार जितनी देर में आर हैंड एक्स डिग्री कवर करना चाहिए मिनट हैंड को ट्वेल्व एक्स कवर करना चाहिए मतलब ये दोनों मूवमेंट मिनट हैंड का तब है जब आर हैंड एक्स डिग्री कवर कर रहा है इसका मतलब ये दोनों बराबर है क्लियर है यस क्लियर बहुत जल्दी बहुत जल्दी डेडपुल का पूछना है पराक्रम टू में कब लेंगे सर आप बहुत जल्दी बहुत जल्दी शुरू होगी ओके तो यहां से आप पता कर सकते हैं थ्री सिक्सटी विल बी इक्वल टू थर्टीन एक्स तो एक्स की वैल्यू क्या होगी थ्री सिक्सटी बाय थर्टीन एक्स क्या है दोनों हैंड के बीच का एंगल है एक्स क्या है दोनों हैंड के बीच का एंगल है दोनों हैंड में जो एंगल बनाया वही है ओके थ्री सिक्सटी बाय थर्टीन आएगा एक्स की वैल्यू मानसी साई गणेश क्लियर बिकी क्लियर कार्तिक क्लियर वेरी गुड अब समझते हैं हमें ये वाला टाइमिंग पता करना है कितने बजे मैं घर से बाहर निकला हूं यही वाला टाइमिंग पता करना है वापस आने वाला भी टाइमिंग आप पता कर सकते हैं यह वाला टाइमिंग है पांच और छ के बीच का टाइमिंग है और वापस आने वाला छे और सात के बीच का टाइमिंग है तो मान लेते हैं कि हमें यह वाला टाइमिंग पता करना है ये वाला टाइमिंग पांच बजे के बाद का टाइमिंग है पांच बजे का एंगल क्या होता है जो लोग क्लॉक टॉपिक अटेंड किए जल्दी से बताइए पांच बजे का एंगल क्या होता है अनुष बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्यों आपने अटेंड नहीं किया क्या क्लॉक टॉपिक नहीं अटेंड किया तो थोड़ा बहुत नहीं समझ में आएगा वो मैं शुरुआत में ही बोल दिया था रोहित कहां पे मिस हो गए वो बताइए इसीलिए मैं बार बार पूछते जा रहा हूं स्टेप वाइज कि यहां तक क्लियर है यहां तक क्लियर है कितना कितना गैप होता है पांच बजे फाइव टाइम्स थर्टी डिग्री फाइव टाइम्स थर्टी डिग्री वेरी गुड सिर्फ सौरभ सही बोल रहे हैं सोनू वन ट्वेंटी चार बजे होता है एक सौ बीस डिग्री का एंगल चार बजे होता है की चार बजे एक सौ बीस डिग्री का एंगल होता है ललित बीजी सुशांत करेक्ट है प्रांजलि करेक्ट है साई गणेश करेक्ट है रामशीष करेक्ट है पांच बजे का एंगल पांच बार तीस डिग्री हर नंबर के बीच में तीस डिग्री का गैप है ना पांच बार तीस डिग्री मतलब एक सौ पचास डिग्री हरी गेटिंग मी हाँ वैसे भी सौरभ आप बोल सकते हैं छह बजे वन एटी है उसमें से थर्टी कम तो वन फिफ्टी डिग्री तो एक सौ पचास डिग्री का गैप है पांच बजे लेकिन ये जो टाइमिंग है ये पांच बजे के बाद है इसमें क्या हो रहा है मिनट हैंड आपको पूरा 150 करके आर हैंड से आगे भी चला जा रहा है मतलब मिनट हैंड कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 150 प्लस ये एक्स भी कवर कर रहा है और एक्स की वैल्यू आपको पता है 360 सिक्सटी बाई थर्टीन इतना डिस्टेंस मिनट हैंड कवर कर रहा है कोई मुझे याद दिलाएगा किस स्पीड से कवर कर रहा है मिनट हैंड ये कोई मुझे याद दिलाएगा कि किस स्पीड से कवर कर रहा है मिनट हैंड इतना डिस्टेंस जो लोग क्लॉक की टॉपिक अटेंड किए हैं जल्दी से बताइए कि किस स्पीड से कवर कर रहा है मिनट हैंड इतना डिस्टेंस नहीं नहीं सौरभ नहीं नहीं सोनू नहीं सुशांत वो तो नॉर्मल मूवमेंट है सुशांत वो तो हम लोग लेते हैं सिक्स डिग्री पर मिनट ये तो डेटा है हमारे पास लेकिन डिस्टेंस बाय स्पीड लिखने वक्त यहां पे यहां पे हम लोग स्पीड क्या लिखेंगे अगर क्लॉक टॉपिक आपने अटेंड किया तो आपको याद होगा

तो न्यूमरेटर में अगर आप एल्सियम थर्टीन लेते हो तो 1950 नाइन प्लस थ्री आपको आएगा 2310 और इनटू ये अगर इनटू टू इंटू टू करोगे 2 बाई इलेवन आएगा 11 वन जा 11 टू जा ट्वेंटी टू इलेवन वन जा इलेवन इलेवन जीरो जा जिरो, मतलब ये आपको आएगा 420 ट्वेंटी बाई थर्टीन विच इज इक्वल टू थर्टीन थ्री 39 बचेगा रिमाइंडर कितना थ्री थर्टी थर्टीन टू रिमाइंडर फोर तो फोर बाई 13, मतलब थर्टी टू फोर मिनट्स लगेगा बजे से मतलब टाइमिंग होगा पांच बज के बत्तीस मिनट फोर बाई थर्टीन इस पर्टिकुलर टाइम पे जो है मैं घर से बाहर गया था एग्जैक्ट टाइम पे हा बिल्कुल कार्तिक एकदम सही पहचाना आपने रामाशीष क्लियर वेरी गुड सर हम हिंदी मीडियम से हूं लेकिन मैं गेट की तैयारी करना चाहता हूं क्या करूं प्लीज सजेस्ट कोई दिक्कत नहीं है क्या दिक्कत है क्या दिक्कत है मैं तो हिंदी में ही तो बोल रहा हूं यहां पे साई किरण के लिए मैंने तेलुगु भी, भी बोला है क्या दिक्कत है तैयारी करने में लैंग्वेज कहां आपकी बैरियर आ रही है जब मुझे पढ़ाने में लैंग्वेज बैरियर नहीं है तो आपको तो पढ़ना है पढ़ने में तो लैंग्वेज बैरियर होना भी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे एक बच्चे ने आके ऑफलाइन की क्लास में के बाद एक बच्चे ने आके मुझसे बहुत ही फ्लो में पूछा कि सर त्रिगुण नहीं पढ़ाइएगा मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैंने पूछा क्या बोला सर मिति नहीं पढ़ाइएगा मतलब नहीं पढ़ाइएगा मुझे सुनाई दे रहा है उसके आगे का शब्द ही नहीं सुनाई दे रहा है फिर मैं उसको बोला कि बेटा क्या बोलना चाह रहे हो फिर से बोलो बोला त्रिगोणमिति नहीं पढ़ाइएगा मैं पूछा क्या तब एक बगल में बच्चे था उसने मुझे हेल्प किया उसने मुझे बताया सर ये पूछ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाइएगा और ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोण मिति वो जल्दी में बोल रहा है त्रिकोण मिति इसलिए ऐसा आ रहा है आर यू गेटिंग मी तो ऐसा कुछ भी नहीं है लैंग्वेज बैरियर होगा ही नहीं हाँ त्रिकोण भी यस yes, प्रांजलि एग्जैक्टली exactly. तो लैंग्वेज बैरियर है ही नहीं जब मैं मुझे पढ़ाने में बैरियर नहीं हो रहा है तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ओके सौरभ पूछ रहे हैं सर कौन सी क्लास है क्लॉक क्लॉक आप देख लीजिए बहुत सारे क्लासेस होंगे आई थिंक दो तीन सेशन मेरे पढ़े होंगे नहीं भी अगर है ना तो आने वाले फ्यूचर में मैं फिर से बताऊंगा क्लॉक डोंट वरी टेंशन मत लीजिए मैं हूं ना प्रीतम बोले सर आज की टॉपिक में पाइप्स एंड सिस्टम दिख रहा है कल की टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि आज एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आऊंगा इसलिए ये क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किया है अब हम लोग पाइप्स एंड सिस्टम में जाएंगे नहीं नहीं अनुष मैं मैथ्स नहीं पढ़ाता हूँ मुझे मैथ्स नहीं आती है मुझे आज तक नहीं पता है कि टू प्लस टू फोर कैसे हो गया क्या बात कर रहे हैं अनुष नहीं ऐसा नहीं है अनुष मैथ्स और एपटी दोनों आपको अलग अलग पढ़ना है ओके हाँ बिल्कुल बिल्कुल सौरभ तो ये वाला मैं सिर्फ क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था क्योंकि गूगल में भी क्या होता है ना इसका गेसिंग आंसर वो लोग दिए लेकिन गेसिंग आंसर नहीं अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल पता है तो आप एग्जैक्ट आंसर पता कर सकते हैं हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, है चाहे वो लाइफ का प्रॉब्लम हो या एप्टीट्यूड का प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम को इस तरीके से देखिए कि इसका डेफिनेटली सॉल्यूशन है मिलेगा सॉल्यूशन ओके okay? बिल्कुल 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 तो चलिए पाइप्स एंड सिस्टम के कुछ क्वेश्चन देखते हैं पाइप्स एंड सिस्टम बिल्कुल टाइम एंड वर्क जैसा ही है जैसे अगर हम पाइप्स एंड सिस्टम को समझना चाहे तो सबसे पहले ये शब्द को समझते हैं सिस्टम क्या होता है सिस्टम एक्चुअली टैंक है जहां पे हम अपना वाटर स्टोर करते हैं जहां पे पानी को स्टोर किया जाता है अब होता क्या है कि एक्चुअल में वो सिस्टम है लेकिन हम उसे रनिंग इंग्लिश में टैंक बुलाते हैं टैंक क्या होता है वो शब्द है जो हम लोग वॉर्स में यूज करते हैं लड़ाइयों में टैंक तोप को टैंक बोलते हैं लेकिन ये हमारा स्टोरिंग वाटर ये भी बड़ा है तो इसमें इसको भी हम लोग टैंक बुलाने लग गए तो चाहे वो टैंक हो या सिस्टम हो कंफ्यूज मत होइएगा रिजर्व बॉय बिल्कुल प्रांजली हाँ बिकी बोल रहे हैं सर सिंटेक्स वाला हाँ बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे जितने भी नाम लिए जा रहे हैं इनका किसी भी जीवित मृत व्यक्ति से कोई भी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है हाँ, सारा बता रहे हैं टंकी है सर टंकी सिस्टम नहीं है टंकी है वेरी गुड बिल्कुल बिल्कुल कबीर कह रहे हैं सर नेट पे आपके नंबर तो नहीं है बस ये शो कर रहा है टॉप एप्टीट्यूड ट्रेनर बेस्ट एप्टीट्यूड ट्रेनर नंबर दीजिए अच्छा ये शो कर रहा है तो वहां पे, आप तो पे, तो पे आपको मेरा डिटेल मिल ही जाएगा जो भी वेबसाइट्स आपको मेरे बारे में बता रहे हैं मेरा डिटेल मिल ही जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो मूविंग फॉर्दर पाइप्स एंड सिस्टम क्या समझते हैं जैसे ये एक टैंक है इस टैंक में दो टैप लगे हैं टैप ए और टैप बी इसको आप पाइप ए पाइप बी भी बोल सकते हैं नल की जगह पाइप भी बोल सकते हैं ओके okay, टैप मतलब नल होता है दो तो टैप लगे हैं टैप ए और टैप बी अगर हम टैप ए को खुला रखें तो ये टैंक सिक्स आवर्स में फुल हो जाएगा वही अगर हम सिर्फ टैप बी को खुला रखें तो यह टैंक फाइव आवर्स में फुल हो जाएगा अगर हम दोनों टैंक को दोनों टैप को खुला रखेंगे तो कितने देर में यह टैंक फुल होगा तो माय डियर फ्रेंड ये बिल्कुल टाइम एंड वर्क जैसा ही है ये बिल्कुल टाइम एंड वर्क जैसा ही है वहां पे हम लोग ए का पर डे वर्क बोलते थे यहां पे एक का पर आवर वर्क बोलेंगे मी? अगर मिनट में दिया तो पर पर मिनट वर्क वर्क बोलेंगे बोलेंगे सेकंड सेकंड में दिया तो पर वर्क बोलेंगे। तो यहां पे ए का पर क्या होगा वन बाय सिक्स और बी का पर परावा क्या होगा वन बाय फाइव दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो ए एंड बी का पर आ वह क्या हो जाएगा दोनों मिलकर हम एड कर देंगे वन बाय सिक्स प्लस वन बाय फाइव अगर मैं गलत नहीं हूं एलसीएम आएगा थर्टी न्यूमरेटर में आएगा इलेवन इलेवन बाई थर्टीन का पर है तो टाइम कितना लगेगा बिल्कुल अनुष बिल्कुल सही है यस कबीर नहीं है क्या बात कर रहे कबीर ऐसा कैसे हो सकता है पूरी पूरी डिटेल वो लोग बता देते हैं चलिए मैं एक बार चेकआउट करूंगा कि है नहीं है ओके थर्टी बाय इलेवन आवर्स बिल्कुल बिल्कुल थर्टी बाई इलेवन थर्टी बाय इलेवन इलेवन बाई थर्टी पर आवर वर्क है तो टाइम टेकन विल बी थर्टी बाई इलेवन आवर्स जिसको आप बोल सकते हैं 11 22, बचा ओके okay, है, है। है। अगर मिनट में दिया तो पर मिनट वर्क सेकंड में दिया तो पर सेकंड वर्क लेकिन मैं आपको एक चीज और याद दिला देता हूं कि यहां पर आपको एक आउटलेट टैप भी हो सकता है आउटलेट ड्रेन लीकेज में कोई भी नाम हो सकता है आउटलेट, ड्रेन या लीकेज जिसका हम लोग नाम रखते हैं सी हमने रख लिया सी, अब ये सी जो टैप है ये पूरे भरे हुए टैंक को एक फिल टैंक को खाली कर सकता है फोर आवर्स में फोर आवर्स में ये फुल टैंक को खाली कर दे सकता है एम्प्टी कर सकता है अब अगर तीनों काम कर रहे हैं तो कितने आवर्स में टैंक फुल होगा अब इस केस में अगर तीनों काम कर रहे हैं तो नो डाउट ए का परावर्क वन बाय सिक्स ही रहेगा बी का परावर्क वन बाय फाइव ही रहेगा लेकिन सी का परावर्क हम लोग लेंगे माइनस वन बाई फोर मतलब एमटिंग पार्ट को हमें निगेटिव में डिनोट करना है और फिलिंग को हम लोग को पॉजिटिव में डिनोट करना है अब तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो क्या होगा ए एंड बी एंड सी सब काम कर रहे हैं तो ए का परावर्क वन बाय सिक्स प्लस बी का परावर्क वन बाय फाइव और सी का परावर्क माइनस वन बाय फोर ओके okay? अब अगर मैं गलत नहीं हूं एलसीएम क्या आएगा एलसीएम आएगा न्यूमरेटर यह बनेगा सिक्स दस प्लस ट्वेल्व माइनस तो 15, 10 और 12 मिला के माइनस पंद्रह सेवन सेवन बाई सिक्सटी इनका पर आवर्क है तो आस कितने लेंगे इसका मतलब 60 7 आज, यानी तो आप बोल सकते हैं फुल होगा अगर तीनों मिलकर काम करें तो इज इट क्लियर यस एग्जैक्टली विकी सौरभ सुशांत साई गणेश प्रांजली वेरी गुड वेरी गुड यस सौरभ तो मैं ये फ्रेंड ये बहुत ही सिंपल है सेम टाइम एंड वर्क में जो हम कर रहे थे वही करेंगे खाली यह याद रखना है कि एमटिंग पार्ट को हमको निगेटिव में डिनोट करना है फिलिंग को पॉजिटिव में डिनोट करना है एक और बात ललित को कुछ पूछना है एक मिनट कुछ मिनट रुक जाइए ललित। पहले ये पूरा कर लेते हैं। अब एक और बात, यहां पे हमारा आंसर पॉजिटिव में आया या निगेटिव में आया ये आंसर जो है हमारा पॉजिटिव में आया इसका मतलब इतने आस में टैंक फिल होगा अरिगेटिंग मी क्योंकि पॉजिटिव डिनोट द फिलिंग पार्ट अगर हमारा आंसर यहां पे नेगेटिव में आता तो इसका मतलब उतने आस में एक भरा हुआ टैंक खाली हो जाएगा बिकॉज डिनोट द एमटिंग पार्ट मान लीजिए आपका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है मान लेते हैं आपका आंसर पॉजिटिव में आया और इन्होंने पूछ रखा है द टैंक विल बी एम तो माई डियर फ्रेंड नेवर क्योंकि पॉजिटिव में आंसर आ रहा है इसका मतलब फिलिंग वाला ज्यादा पावरफुल है वो टैंक कभी खाली होगा ही नहीं मान लेते हैं आपका आंसर निगेटिव में आया और ये लोग पूछ रहे हैं वेन द टैंक विल बी फिल्ड फिर नेवेटिव तो में आंसर आ रहा है इसका मतलब एमटिंग पार्ट ज्यादा पावरफुल है वो टैंक कभी भरेगा ही नहीं पॉजिटिव डिनोट डिनोट द द फिलिंग आंसर आंसर एमटिंग रिवर्स में क्वेश्चन है तो सीधा आप बोल सकते हैं नेवर इज इट क्लियर रिवर्स में क्वेश्चन है तो सीधा नेवर बाकी सब कुछ टाइम एंड वर्क जैसा ही है वहां पे ए बी सी तीनों मिलके काम शुरू करते थे दो तो दिन के बाद ए चला जाता था यहां पे टू आवर्स के बाद ए को बंद कर देंगे वहां पे क्या होता था ए और बी ऑल्टरनेट डेज काम करते थे यहां पे ये लोग ऑल्टरनेट आवर्स नहीं तो ऑल्टरनेट मिनट्स काम करेंगे बाकी सब कुछ टाइम एंड वर्क जैसा ही है तो कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और एक सुपर क्वेश्चन मैंने फिर एंड फाइव के लिए भी लेके आया है मैंने मैं लेके आया हूं आज मैं बताऊंगा वो वाला क्वेश्चन भी एकदम सुपर क्वेश्चन मतलब आप देखोगे वो क्वेश्चन तो मजा आ जाएगा ओके आप याद करोगे कि हाँ ये क्वेश्चन अगर बन गया तो एंड फाइव टाइम एंड वर्क का कुछ भी बन जाएगा कोई भी आंसर ओके okay, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन इसके डिस्कस कर लेते हैं फिर वो सुपर क्वेश्चन तक पहुंचेंगे अब ये रहा क्वेश्चन पोलिंग स्टार्ट करें क्या आप हा ना कुछ तो बोलिए पोलिंग स्टार्ट करें क्या आप लोग पूरा टाइम एंड वर्क पड़े हैं तो एंड सिस्टम तो आराम से बनेगा ललित करें हाँ सर बिल्कुल पोलिंग होना चाहिए गौरव करें नहीं सर मैं आज कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा हूं आज नहीं होगा पोलिंग कह रहे हैं बिल्कुल सर शुरू होना चाहिए पोलिंग ललित भी रेडी हैं विशुद्ध भी रेडी हैं सग्निका रेडी और ललित कुछ आंसर भी बता रहे हैं चलिए पोलिंग स्टार्ट करते हैं पोलिंग स्टार्टेड पोलिंग एमसीक्यू है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन साठ सेकेंड में टाइम दे रहा हूं पोल स्टार्ट हो चुका है आई थिंक अनुष बोल रहे हैं सर मैंने गेट का क्वेश्चन देखा वो बहुत लेंगदी है कहाँ लेंगदी था अभी अभी तो आपने जो क्वेश्चन पूछा तो वो पहले ही स्लाइड में खत्म हो गया और आप ही ने बताया कि सर वो 2023 का क्वेश्चन या 2022 का क्वेश्चन है मैंने नहीं बताया आपको ए बी सी डी में जो भी आंसर आ रहा होगा आप सीधा उसे बॉक्स में टाइप कीजिए सी अगर करेक्ट है तो सी डी करेक्ट है तो डी बी करेक्ट है तो बी ए करेक्ट है तो ए ओके okay, आपके स्क्रीन पे कोई सेपरेट पोलिंग का विंडो नहीं आएगा आपको चैट में बताना है और वही एक्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पे जो भी आप बता रहे हैं वही आंसर यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा आई थिंक टाइम इज अबाउट टू कंप्लीट समय खत्म होने वाला है और ये आपका टाइम अप हो चुका है चलिए अब यहां पे देखते हैं कि टू पाइप ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन एट रेस्पेक्टिवली तो हम डायरेक्टली यहां से ही हम बोल सकते हैं कि ए का पर मिनट वर्क क्या होना चाहिए वन बाय एट और बी का पर मिनट वर्क क्या होना चाहिए वन बाय ट्वेल्व ओके अब बोथ द पाइप आर ओपन टूगेदर एंड आफ्टर थ्री मिनट पाइप इज टर्न ऑफ दोनों को हमने खुला रखा शुरुआत से लेकिन तीन मिनट के बाद तीन मिनट के बाद ए को बंद कर दिया जैसे पहले तीन दिन के बाद चला जाता थे या तीन मिनट के बाद ए को बंद कर दिया द टोटल टाइम शुरुआत से अंत तक बी काम कर रहा था बिल्कुल वैसे जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क में ले रहे थे मतलब बी ने सारे एक्स मिनट्स काम किए बी का वन मिनट का वर्क है वर्क एक्स बाय ट्वेल्व इतना काम बी ने किया होगा अब आते हैं ए के पास ए कितने मिनट के लिए काम किया ए तो पहले तीन मिनट के लिए काम किया है क्योंकि तीन मिनट के बाद ए को बंद कर दिया गया है तो मिनट का वर्क डन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एक्स की वैल्यू आएगी एक्स मतलब टोटल कितना टाइम लगा था क्योंकि बी तो टोटल टाइम काम कर रहा था हो गया नहीं सर आप ही सॉल्व कीजिए एट का LCM, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ट्वेंटी फोर आएगा वैल्यू क्या होगी फिफ्टीन बाई टू मतलब कितना होगा सेवन पॉइंट फाइव 2 मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है देखते हैं कितने लोगों ने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया है अगर रिजल्ट की बात करें तो हंड्रेड परसेंट लोगों ने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया है वेरी गुड सुप लीडर बोर्ड की बात करते हैं तो सबसे टॉप पे है ललित वेरी गुड एक्सिलेंट सुप मार्वलर जीनियस एक्सट्रॉर्डनरी सेकेंड पे है सग्निका थर्ड पे है प्राजली सुपर्ब फोर्थ पे है सुशांत फिफ्थ पे है रोहित और सिक्स पे है बीजी वेरी गुड वेरी गुड कोई बात नहीं जिनका नाम नहीं आया लीडर बोर्ड पे टेंशन मत लीजिए आपको भले ही ये नाम नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन मुझे आपने अगर आंसर किया तो आपका नाम मुझे सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ओके लीडर बोर्ड पे नहीं है तो क्या हुआ मुझे सामने आप स्क्रीन पे आपका नाम दिखाई दे रहा है मेरा लीडर बोर्ड इधर आपका लीडर बोर्ड इधर ओके तो चलिए देखते समझते हैं और क्वेश्चन देखेंगे हाँ ललित आप कुछ पूछना चाह रहे थे पूछ लीजिए पूछ लीजिए फिर आप बुरा मान जाओगे फिर आज रात में खाना भी नहीं खाओगे आप बुरा मान के ललित क्या पूछना चाह रहे थे सर वो क्लॉक वाला गेट का था नहीं नहीं कोई गेट टूट का नहीं था वो ऐसा कुछ नहीं था ललित सिंपल एक क्वेश्चन अच्छा सा मैंने दिया था अब क्लियर है ललित और कुछ डाउट है नहीं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये वन पाइप कैन फिल अ टैंक थ्री टाइम्स एज फास्ट एज अनदर पाइप एक पाइप जो है दूसरी पाइप से तीन गुना ज्यादा फास्ट है टूगेदर दू पाइप कैन फिल द टैंक इन अगर दोनों पाइप मिलकर एक टैंक को फिल कर सकते हैं टैंकोन तो जो स्लो वाला पाइप है उसको अकेले कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल करने के लिए और आपका साठ सेकेंड का पोल शुरू होता है अब बिल्कुल बिल्कुल टेस्ट टू पॉइंट में आप पढ़ाओगे क्या बिल्कुल पढ़ाऊंगा क्यों नहीं पढ़ाऊंगा नहीं नहीं सिंह साहब अभी तक तो गेट है तो आई थिंक टाइम इज अबाउट टू कंप्लीट तो ये टाइम अप हो चुका है तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए सबसे पहले ये समझते हैं कि एक स्लो वाला है एक फास्ट वाला है स्लो वाला को मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूं और फास्ट वाला को एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ओके ये स्लो वाला है जो धीरे धीरे फिल करता है और ये फास्ट वाला है जो फास्ट फिल करता है ओके क्योंकि इन्होंने दे रखा है दो ही पाइप है ओके

तो स्लोर वाला ज्यादा टाइम लेगा तीन गुना ज्यादा मतलब थ्री एक्स ये क्लियर है ये पॉइंट सबको क्लियर है एक बार बता दीजिए हा ना नहीं तो फिर बाद में बोलोगे कि ये सर आप कैसे लिख दिए अगर स्लोअर वाला x लेगा तो फास्टर वाला x बाई थ्री लेगा मिनट्स तो हम अगर रिवर्स में देखें तो फास्टर वाला अगर x लेगा तो स्लोअर वाला थ्री एक्स लेगा सबको क्लियर है यस प्रांजलि ललित अनुष वेरी गुड वेरी गुड अब दोनों मिल के फिल करते हैं कितने आस में 36 में मिनट्स फिल करते हैं तो यहाँ पे हम लोग इनका पर मिनट वर्क लिखते हैं फास्टर वाला का होगा और इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है थर्टी सिक्स मिनट्स में फिल करते हैं तो मिनट वर्क इनका टुगेदर आना चाहिए वन बाय थर्टी सिक्स इसको सॉर्ट आउट करेंगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी नहीं सर आप ही सॉल्व कीजिए ओके थ्री एक्स ले ले हैं तो ये हो गया थ्री प्लस वन फोर इज इक्वल टू वन बाई थर्टी सिक्स ओके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करें तो थ्री एक्स इज नहीं इसको कैंसिल भी कर सकते हैं आप डायरेक्टली यहां पे कैंसिल कर दीजिए थ्री वन जा और थ्री ट्वेल्व मतलब आपको आएगा x इंटू वन डेट इज एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व इंटू फोर डेट इज फोर्टी एट डियर फ्रेंड फोर्टी एट मिनट कौन लेगा फोर्टी एट मिनट फास्ट वाला लेगा x मतलब फास्ट वाला है तो अड़तालीस मिनट फास्ट वाला लेगा और स्लोअर वाला थ्री इंटू अड़तालीस थ्री इंटू फोर्टी एट कितना एक सौ चवालीस मिनट लेगा स्लो वाला तो हमारा यहां पे आंसर है ऑप्शन बी देखते हैं कितने लोगों ने ऑप्शन बी लिया है सेवेंटी वन पॉइंट फोर थ्री परसेंट लोगों ने ऑप्शन बी लिया है क्योंकि तो बहुत सारे लोग ए लिए थे मुझे पता है वो जल्दी में एक्स मतलब स्लोअर वाला मान लिए एक्चुअली एक्स मतलब वो फास्टर वाला हमें आंसर आया फोर्टी एट मिनट्स नहीं हो यहां पे आप देख सकते हैं ट्वेंटी थ्री परसेंट लोगों ने ए ऑप्शन सेलेक्ट किया फिर भी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है लीडर बोर्ड की बात करें तो सबसे टॉप पे है प्रांजली वेरी गुड एक्सिलेंट सुपर मार्वलस जीनियस एक्स्ट्रॉर्डनरी सेकंड पे है ललित थर्ड पे है सग्निका फोर्थ पे है सुशांत फिफ्थ पे है प्रीतम और सिक्स पे अनुष तो माई डियर फ्रेंड अब जल्दी में गलती हो गया मानसी कोई बात नहीं अब क्या वो वाला क्वेश्चन ले जिसके लिए मैंने ये प्लान कर रखा था कि आज आपका पाइप्स एंड सिस्टम का बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन समझे पहले या नहीं तो एक दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको ये आपकी मर्जी पे सौरभ तो कह रहे हैं हाँ सर वो वाला क्वेश्चन लेके आइए जो हम लोग से नहीं बन पाए ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग बना लेंगे विकी भी बोल रहे हैं हाँ सर वही वाला क्वेश्चन चाहिए ललित बिल्कुल बिल्कुल तो चलिए वही वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग तो मूविंग डायरेक्टली टू द क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ऐसा नहीं कि मैंने टफ बोल दिया है तो बहुत टफ होगा ऐसा कुछ नहीं है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपने वहां पे जो किया है ना टाइम एंड वर्क में वही करना है आपको ओके वो क्वेश्चन क्या है देखिए स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहां ओके क्वेश्चन को समझिए आंसर करने की कोशिश कीजिएगा पहले क्वेश्चन को समझिए मतलब एक टैंक में तीन पाइप या तीन नल लगे हैं जिनका नाम इन्होंने दे दिया ए बी सी

सी को हमने खुला रखा है मतलब ड्रेन वाला पाइप खुला हुआ है फर्स्ट आर ए सेकेंड आर बी थर्ड आर ए फोर्थ आर बी ऐसे काम कर रहे हैं सी है. हर जगह काम कर रहा है जो ड्रेन वाला पाइप है वो हर जगह काम कर रहा है तो ये लोग पूछ रहे हैं इन हाउ मेनी आस द टैंक वुड बी फिल्ड कितने आस में यह टैंक फुल होगा चलिए सोनू तो बोल रहे थे एक दो और प्रैक्टिस सोनू तो आपका मैसेज लेट आया आप चलिए ये भी क्वेश्चन ये कर लिए तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे ये बिल्कुल टाइम एंड वर्क जैसा ही है चलिए मैं आपको हिंट भी दे देता हूं फर्स्ट आर ए सेकेंड आर बी थर्ड आर ए फोर्थ आर बी ऐसे ये लोग काम कर रहे हैं लेकिन ये है कि सी हर जगह काम कर रहा है मतलब फर्स्ट आर ए एंड सी सेकेंड आर बी एंड सी थर्ड आर ए एंड सी फोर्थ आर बी एंड सी ऐसे काम कर रहे हैं जो भी सबसे पहले विद इन टू मिनट्स टू मिनट्स नहीं चलिए तीन मिनट में टाइम देता हूं जो भी सबसे पहले मिनट मिनट के के अंदर अंदर अभी अभी करेक्ट आंसर बताएगा एग्जैक्ट आंसर करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड आपके नंबर पे मैं मिस कॉल दूंगा तो आपको ऑब्वियसली मेरा नंबर मिल जाएगा अब इससे ज्यादा क्या चाहिए बोलिए आपके नंबर पे मैं मिस कॉल दूंगा तो ऑब्वियसली आपको मेरा नंबर मिल जाएगा मुसाफिर पूछ रहे हैं सर मैथ कब स्टार्ट होगा मंडे से मुसाफिर केवल का कहना है नाइनटी आवर्स वेरी गुड एक्सीलेंट सुपर मार्वल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केवल एक मिनट मेरी मोबाइल किधर है गेट माई मोबाइल गेट माई मोबाइल प्लीज यस वेरी गुड वेरी गुड केवल आपका आंसर बिल्कुल गलत है तो मैं मिस कॉल नहीं दे रहा हूं लेकिन हाँ केवल आप जो है कैलकुलेशन बिल्कुल सही किए है केवल लेकिन आंसर गलत है नहीं दे रहा हूं आपके नंबर पर मिस कॉल विश्रुत कह रहे हैं 90 आवर्स नहीं विशृत कैलकुलेशन सही है आंसर गलत है प्रांजली 90 आवर्स आंसर नहीं है अनुज 90 आवर्स आंसर नहीं है सार्थक बोल रहे हैं सर मेरे पास तो आपका नंबर है मैं ही मिस कॉल दे रहा हूं 0356 वाले पे अच्छा सार्थक कैसा है क्या नहीं नहीं ललित मैं खुद के नंबर से आपको मिस कॉल दूंगा आप आंसर तो बताइए 3 मिनट में 1 मिनट खत्म हो गया बाकी 2 मिनट ही बचे हैं विकी बोल रहे हैं 90 आर्स नहीं विकी नाइन्टी आवर्स मतलब आपका कैलकुलेशन सही है लेकिन आंसर गलत है मैं बताऊंगा कैसे आपको नाइन्टी और क्यों गलत है सूरज कह रहे हैं फोर आवर्स नहीं सूरज कैलकुलेशन में मिस्टेक है शाम ट्वेंटी सिक्स आवर्स कैलकुलेशन में मिस्टेक है जल्दी कीजिए जल्दी सिर्फ दो मिनट ही बचे हैं समय आपके पास कुछ लोग सोचने से शुरुआत करते हैं वन नहीं है टू थ्री फोर ऐसे करके टाइप कर देते थर्टी सिक्स आवर्स नहीं कैलकुलेशन में आपने गलती कर दी जो लोग नाइन्टी आवर्स बोल रहे हैं उनका कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट है लेकिन आंसर गलत है ललित कह रहे नाइन्टी माइनस एटीन नहीं मैं बताऊं 90 आवर्स क्यों गलत है किसी को जानना है कि नाइन्टी आवर्स क्यों गलत है अगर कैलकुलेशन परफेक्ट है तो नाइनटी हाउस क्यों सोनू आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो आपको फोर्टी फाइव आ रहा है ना आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो साई गणेश ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव आपने तो हाफ कर दिया आपको मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ विश्व जानना है बिक्की जानना है ललित कह रहे नहीं सर मुझे तो जानना ही नहीं है नंबर जानना है अच्छा नंबर जानना है चलिए मैं हिंट दे देता हूं जो लोगों को 90 आंसर आ रहा है ना बहुत अच्छा कैलकुलेशन है आपका इसमें कोई शक नहीं कि आपने कैलकुलेशन बहुत तरीके से किया है लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपका फर्स्ट आर का जो वर्क है वो नेगेटिव में है नेगेटिव में है इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट आवर में जो भी टैंक में पानी डाला गया सब निकल गया होगा मतलब फर्स्ट आवर का वर्क जीरो है काम जीरो है नो डाउट वन आवर टाइम वेस्ट हुआ होगा वो पहला वाला आवर लेकिन वहां पे वर्क को कंसिडर मत कीजिएगा वो वर्क को जीरो मान के चलना है आपको इसीलिए गलत आंसर बन रहा है आर यू गेटिंग मी क्योंकि फर्स्ट का वर्क आपने मान लिया है आपको वो वर्क को जीरो मानना है खाली टैंक खाली रह जाएगा फर्स्ट आर के एंडिंग में लेकिन टाइम को कंसिडर करना है इसीलिए नाइनटी आवर्स गलत आंसर है मैंने हिंट दे दिया सूरज 144 नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है अनुष 91 वन बाई इलेवन कैलकुलेशन मिस्टेक है मानसी फोर्टी फोर आवर्स नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है एक्सप्लेन मिनट तो हो गया हाँ, ललित अब क्या करेंगे अब मैं ही बताऊंगा ललित बोल रहे सर क्वेश्चन आपका आंसर आप ही करो हमें क्या मतलब जो देगा क्वेश्चन वही करेगा आंसर जिसका होगा प्रॉब्लम वही करेगा सॉल्व साई किरण फोर्टी फाइव यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड किरण

फर्स्ट आर का वर्क जो है वो निगेटिव में आया मतलब टाइम वेस्ट हुआ है लेकिन वो वर्क जो है कुछ भी नहीं हुआ है तो वो वाला टाइम कंसिडर कीजिए लेकिन वर्क को नहीं कंसिडर कीजिए तो रोहित वेरी गुड एक्सलेंट सुपर मार्वलस जीनियस एक्स्ट्राडिनरी एक मिनट रो... लेकिन रोहित 91 भी गलत आंसर है रोहित आप तो ये समझ गए कि मैंने 90 क्यों गलत बोला लेकिन मैं आपको बता दूं रोहित 91 भी गलत आंसर है चलिए समझते हैं चलिए समझते हैं कोई बात नहीं चलिए समझते हैं टाइम अप हो चुका है ओके okay, तो यहाँ पे ए का पर आवर वर्क हम लोग लेंगे वन बाई ट्वेंटी बी का पर आवर वर्क लेंगे वन बाई ट्वेल्व और सी का पर आवर लेंगे माइनस वन बाई एटीन हाँ बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं नाइन्टी वन वन बाई इलेवन नहीं नहीं अनुष गलत है नहीं सूरज फोर्टी सिक्स नहीं है ओके okay, चलिए समझते हैं अब यहां पे ये लोग ऑल्टरनेट डेज काम करें फर्स्ट आर ए एन सी सेकेंड आर बी एन सी थर्ड आर ए एन सी फोर्थ आर बी एन सी वेरी गुड चलिए समझते हैं यहां पे आपने कहा कि ए का परा वर्क होगा ट्वेंटी बी का परा वर्क होगा वन बाय ट्वेल्व और सी का परा वर्क होगा माइनस वन बाय क्यों क्योंकि सी जो है एमटिंग पार्ट है ओके okay? अब फर्स्ट आर फर्स्ट आर कौन काम करेगा फर्स्ट आर में ए और सी काम करेंगे हम लोग फर्स्ट आर की अगर बात करें तो फर्स्ट आर में कौन काम करेगा ए और सी काम करेंगे क्योंकि सी हर जगह काम कर रहा है और फर्स्ट आर में ए काम किया होगा तो ए और सी को ऐड करें तो वन बाय ट्वेंटी और सी की वैल्यू आ रही है माइनस वन बाई एटीन एल्सियम अगर आप लीजिए तो न्यूमरेटर बनेगा नाइन माइनस टेन नाइन माइनस टेन मतलब माइनस वन बाई वन एटी आपको आएगा आंसर पॉजिटिव में आया निगेटिव में आया माय डियर फ्रेंड आंसर निगेटिव में आया पी नाइनटी वन भी गलत है मैं बताऊंगा क्यों गलत है फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव नहीं बिकी नहीं चलिए समझिए अब माइनस में आंसर आया इसका मतलब एमटिंग पार्ट ज्यादा पावरफुल है फिलिंग पार्ट से मतलब जो भी पानी ए डालेगा सी सबको खाली करेगा क्योंकि सी ज्यादा पावरफुल है ए से ज्यादा पावरफुल है सी मतलब टैंक में पानी रुकेगा ही नहीं ए डालेगा और सी निकालता चला जाएगा आर यू गेटिंग मी मतलब इनिशियल स्टेज में टैंक खाली था फर्स्ट आर के एंडिंग में क्या हुआ टैंक खाली ही रह गया जो भी पानी ए डाला सी ने सबको निकाल दिया तो ये वाला टाइम जो है हमारा वेस्ट चला गया ऐसे ही टैंक में पानी रुका ही नहीं इज इट क्लियर अब आते हैं नहींकेंड आवर की बात करते हैं अगर यही दोनों ऐसे ही काम करते रहते ना तो आप सीधा बोल देते टैंक कभी भरेगा ही नहीं अगर यही दोनों काम करते रहते तो सीधा बोलते टैंक कभी फुल होगा ही नहीं क्योंकि एमटिंग पार्ट ज्यादा पावरफुल है अब ये दोनों काम तो फर्स्ट आवर के लिए किए अब सेकंड आवर में क्या होगा सेकंड आवर में कौन काम करेगा बी एंड सी और बी एंड सी की पर आवर वर्क अगर हम ऐड करें तो वन बाय ट्वेल्व माइनस वन बाई एटीन होगा बी का माइनस वन बाईटीन यहां पे अगर मैं कॉमन मल्टीपल वन एटी ले लू आप एलसीय थर्टी सिक्स भी ले सकते हैं मैं कॉमन मल्टीपल ले रहा हूं तब आगे कैलकुलेशन मेरे लिए लिएजी होगा इसलिए आप एलसीय थर्टी सिक्स लेके भी कर सकते हैं ओके कॉमन मल्टीपल वन एटी ले लू तो ये होगा फिफ्टीन माइनस टेन मतलब by answer positive में आया मतलब अब फिलिंग वाला ज्यादा पावरफुल है एमटिंग से मतलब सी पानी निकालेगा लेकिन जितना पानी बी डाल रहा है ना सी उतना पानी नहीं निकाल पाएगा क्योंकि बी ज्यादा पावरफुल है यहाँ पे गेटिंग में मतलब पूरे टैंक को अगर वन एटी में डिवाइड कर दीजिएगा तो फाइव पार्ट तक वॉटर फिल हो जाएगा इज इट क्लियर है समझ में आया सबको अब थर्ड आर में तीसरे आर में कौन काम करेगा वापस से ए और सी काम करेंगे तो माय डियर फ्रेंड आपको क्या करना है जो आप पहले टू डेज का वर्क लेते थे ना टाइम एंड वर्क में यहां पे आपको टू आवर्स का वर्क लेना है कौन से टू आवर्स का वर्क लेना है सेकेंड एंड थर्ड आवर सर आप फर्स्ट एंड सेकेंड क्यों नहीं ले रहे हो आप पहले तो पहला दिन और दूसरा दिन का काम लेते थे यहां पे पहला आवर और सेकेंड आवर क्यों नहीं ले रहे हो क्योंकि माय डियर फ्रेंड अगर मैं फर्स्ट एंड सेकेंड आवर लेता हूं तो मैं क्या गलती कर रहा हूं मैंने पहले खाली टैंक में से पानी निकाला फर्स्ट आवर में और सेकेंड आवर में पानी डाला तो माय डियर फ्रेंड खाली टैंक में से मैंने क्या पानी निकाला कुछ तो नहीं निकाला तो इसीलिए सबसे पहले तो हमें टैंक में पानी डालना होगा डिपॉजिट करना होगा तब हम कर सकते हैं डिपॉजिट हमने कब किया है डिपॉजिट हमने सेकेंड आवर में किया है तब थर्ड आवर उसमें से पानी निकाल सकते हैं समझ में आ रहा है क्यों मैंने सेकेंड एंड थर्ड आवर लिया ये टू आर्स यस नो बिना नाइनटी वन पॉइंट फोर नहीं, 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 नहीं गलत आंसर है मैं बता रहा हूं क्लियर है यहां तक किसी को यहां तक कोई डाउट हो नहीं चलिए सेकेंड एंड थर्ड आवर की बात करें तो में कौन काम करेगा? ये C, 5 180. और जिसको आप कैंसिल कर रहे होंगे तो आपको वन बाय फोर्टी फाइव आ रहा होगा वन बाय फोर्टी फाइव कितने आवर्स का वर्क है, जो है ये टू आवर्स का वर्क है टू आवर्स से सेकेंड आवर से टू आवर

तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ 45 तो हमने दोनों तरफ 45 जब मल्टीप्लाई किया तो हमें आया एक पूरा काम हुआ कितने देर में 90 आवर्स में लेकिन ये 90 आवर्स कहां से था सेकंड 90 आवर्स फ्रॉम सेकेंड आवर इज इट क्लियर एश इज इट क्लियर नाउ आवर्स इन नाइनटी आवर्स इफ वी मल्टीप्लाई फोर्टी फाइव बोथ साइड ओके टू मेक इट वन कंप्लीट वर्क then 45 to the 90 90 90 hours hours one complete work was was done but this from from where from second hour but our first hour first time time wasted na. So total time taken वर्क कंप्लीट तो हुआ लेकिन हमारा फर्स्ट आवर का टाइम वेस्ट हुआ है ना एक वन आवर वो तो हमने आर, time तो वेस्ट हुआ है ना वर्क जीरो तो ना तो टोटल टाइम कितना लगा आवर्स ना इट क्लियर तो टोटल टाइम हमारा होना चाहिए नाइन्टी वन आवर्स लेकिन मैंने बोला नाइन्टी वन गलत है ओके अब समझते हैं नाइन्टी वन क्यों गलत है अब ये समझिए कि यहाँ पे कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्टली किया हम लोगों ने सब कुछ सही था फर्स्ट आवर वाला लास्ट में जो हमने टाइम को ऐड कर लिया वो भी पक्का लिया सब कुछ सही है 91 वन गलत क्यों है नाइन्टी वन गलत इसलिए है क्योंकि तो नाइनटी वन एक ऑड नंबर है

टैंक में से पानी निकालने के बाद टैंक फुल हो गया ये कैसे पॉसिबल है जब आप टैंक में पानी पोर करोगे वाटर पोर करोगे तब टैंक फुल होना चाहिए विड्रॉल के बाद टैंक फुल नहीं होना चाहिए आर यू गेटिंग मी मतलब आप कह रहे हो सर दिस इज द द ब्रिम टॉप लेवल ऑफ टैंक ये हवा में पानी अटका है सर एयर में पानी अटका हुआ है नाइन्टी फर्स्ट आवर में क्या हुआ यह हवा वाला पानी निकला टैंक फुल हो गया आर यू अरिगेटिंग नाइनटी वन क्यों गलत है यस yes, नो no. जल्दी से बताइए क्योंकि आपको याद होगा गूगल में एक क्वेश्चन है गूगल में एक क्वेश्चन है कि देर इज अ थर्टी फीट हाइट पोल एक थर्टी फीट का पोल है तीस फीट हाइट का एक पोल है एंड मंकी इज ट्राइंग टू क्लाइम दिस पोल एक मंकी जो है जो ये पोल को चढ़ना चाह रहा है फर्स्ट मिनट मंकी गो थ्री फीट अप सेकेंड मिनट मंकी स्लिप डाउन टू फीट अगेन थर्ड मिनट मंकी गो थ्री फीट अप अगेन फोर्थ मिनट मंकी स्लिप डाउन टू फीट तो माय डियर फ्रेंड आई एम सेइंग दैट फर्स्ट मिनट में मंकी तीन फीट ऊपर गया सेकेंड मिनट में मंकी टू फीट नीचे स्लिप किया मतलब ओवरऑल टू मिनट्स में मंकी कितना फीट कवर किया टू मिनट्स में कितना कवर किया सिर्फ वो वन फीट ही कवर किया ना एम आई राइट यस सौरभ समझ में आ रहा है तीस फीट का पोल है इसमें मंकी फर्स्ट मिनट तीन फीट ऊपर गया सेकेंड मिनट दो फीट नीचे आया थर्ड मिनट फिर वहां से तीन फीट ऊपर मिनट फिर दो फीट नीचे मतलब अगर मैं कहूं फर्स्ट मिनट में तीन फीट ऊपर सेकंड मिनट में दो फीट नीचे इसका मतलब मिनट में सिर्फ वन फीट हाइट कवर कर रहा है वो यस 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 वेरी गुड अब इन्होंने पूछा क्या था क्वेश्चन इन ऑर्डर टू रीच द टॉप ऑफ द पोल थर्टी फीट पोलिनी मिनट मिनट्स मंकी विल टेक

उट फिफ्टी सिक्स मिनट में फिर मंकी स्लिप करेगा फिफ्टी सिक्स मिनट में मंकी स्लिप करके फिर दो फीट नीचे स्लिप करके वापस से वो ट्वेंटी एट फीट पे आ जाएगा ये मैं मान रहा हूं आई नो दिस लेकिन माय डियर फ्रेंड फिफ्टी सेवन मिनट में मंकी को क्या करना है तीन फीट ऊपर जाना है पोल यहां पे कितना बचा दो फीट तो हवा में एक फीट जाके रुकेगा नहीं आर यू गेटिंग मी इसीलिए सिक्सटी मिनट मेरा रॉन्ग आंसर है फिफ्टी मिनट ही मंकी टॉप ऑफ द पोल पहुंच गया समझ में आ रहा है जैसे यहां सिक्सटी मिनट आंसर बोल के बार बार आप मंकी को हवा पोल के ऊपर जाके हवा में अटकाते जा रहे हो ठीक उसी तरह वहां नाइनटी वन बोल के आपने पानी को हवा में अटका दिया और आपने कहा सर हवा का पानी निकल गया टैंक फुल हो गया समझ में आ रहा है हाँ यस यस सार्थक एग्जैक्टली यस रीस्ट इन फिफ्टी फिफ्थ मिनट बिकी क्लियर मानसी क्लियर ललित क्लियर ओके समझ में आया वहां पे जैसे यहां पे मंकी को हवा में अटका के हम लोग बोल रहे थे कि वो साठ मिनट में पहुंचा होगा वहां पे हम लोगों ने पानी को हवा में पहुंचा के बोल दिया कि नाइनटी वन आवर्स में टैंक फुल होगा हाँ एक ही बार पहुंचा फिफ्टी फिफ्थ मिनट में उसके बाद उसकी मर्जी है मंकी की टॉप ऑफ द पोल तो फिफ्टी फिफ्थ मिनट में पहुंच गया अब तो तीन फीट जो वो जो चीज को फॉलो कर रहा था जिस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा था जिस रूल को फॉलो कर रहा था वो रूल फॉलो होगा ही नहीं हरी गेटिंग मिस सौरभ उसी तरह यहां पे हम लोगों को समझ में आया नाइनटी वन गलत आंसर है क्योंकि नाइनटी वन केस में हवा का पानी निकला और टैंक फुल हुआ है जब हवा का पानी निकला है इसका मतलब इसका मतलब टैंक पहले ही फुल हो चुका है हवा में भी आपने पानी भर दिया है इसका मतलब क्या है टैंक तो पहले ही फुल हुआ होगा मतलब वाटर ओवरफ्लो हो रहा है टैंक में से पानी बाहर निकलने लग गया है इसका मतलब पहले ही कहीं टैंक भरा था अब आप ये 91 पे पहुंच गए आपको समझ में आए गलत आंसर है क्यों हवा तक पानी आपने भर दिया है तो इसका मतलब पहले कहीं टैंक भरा था तो थोड़ा पीछे जाइए लेट अस गो लिटिल बिट बैक थोड़ा पीछे चलते हैं ये जो हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे थे 45 एक काम करते हैं ना थोड़ा कम मल्टीप्लाई कर लेते हैं लेट अस मल्टीप्लाई 44 बोथ साइड हम लोग दोनों तरफ 44 ही मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम 44 मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कह सकते हैं कि 44 फोर बाय फोर्टी ऑफ द वर्क वॉज डन इनिस्ट यहाँ पे देखिए हॉमनी आवर्स आ रहा है आपको इतना वर्क हुआ था प्रैक्टिस क्वेश्चन आई थिंक स्लाइड पे भी रहता है आप पीडीएफ फॉर्म में आप इसे ऐप पे जाके आप ये पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए इसमें भी हम दो चार हर टॉपिक में आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं उस स्लाइड पे एच ए लिखा रहता है आप प्रैक्टिस इससे भी कर सकते हैं सरकार ओके okay? में इतना काम हुआ था। लेकिन ये 88 कहां से वेस्ट तो हुआ तो अगर हम फर्स्ट आवर को भी ऐड कर दें तो आई कैन से दैट ये दिस मच वर्क वॉज डन इंक्लूडिंग द फर्स्ट आर टाइम टाइम को कंसिडर करना है फर्स्ट आर को वर्क को जीरो ही मान के चलना है ओके okay? 89 ऑर्स में इतना वर्क हुआ अब वर्क क्या पेंडिंग बचा है अभी भी 1/45 वर्क पेंडिंग बच रहा है क्योंकि तो 44/45 हुआ अभी भी, भी 1/45 टैंक खाली बच रहा है 89 ऑर्स कंप्लीट हो चुके हैं 90th आर कौन काम करेगा 90 इज अ इवन नंबर 90th आर कौन काम करेगा ऑब्वियसली इवन नंबर मतलब बी और सी काम करेंगे बी और सी का पर आवर वर्क अगर आप देखें तो ये by आ रहा है मतलब एक पूरे वर्क को बी और सी लेकिन उनको पूरा टैंक तो भरना नहीं है पेंडिंग वर्क क्या बचा है by तो by वर्क को बी और सी कितनी देर में करेंगे थर्टी सिक्स इंटू वन बाई फोर्टी फाइव आवर्स नाइन फोर थर्टी सिक्स मतलब फोर बायर्स में कर देंगे तो यहां तक आपका आंसर 89 और यहां पे 4 बाय मतलब इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 89 नाइन फोर बाई फाइव आवर्स यहीं पर टैंक फुल हो गया उसके बाद पानी ओवरफ्लो होने लगा समझ में आ एटी नाइन फोर बाई फाइव आवर्स में ही टैंक फुल हो गया था उसके बाद पानी ओवरफ्लो हो रहा है आप पूछोगे कि सर एक बात बताइए तो बिल्कुल 89 भी ऑड नंबर है मतलब एटी आवर में

बाई फाइव मतलब एटी नाइन पॉइंट एट है तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके गेट एग्जाम में नहीं है ये आपको कैट लेवल का क्वेश्चन है लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग समझे जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता है कि हो क्या रहा है तो यहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन को समझे ओके okay, समझने में कोई दिक्कत नहीं है यस रोहित वेरी गुड ओके प्रांजली वेरी गुड तो बाकी सबको क्लियर है कोई दिक्कत नहीं समझ में आया मतलब ओवरऑल हम लोगों ने टैंक को भरी दिया है 89 नाइन फोर बाय फाइव आवर्स में यहाँ कुछ बच्चों को दूसरा क्वेश्चन ये वाला भी समझ में आ गया सर ये मंकी वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये तो मैं आज सबसे पूछूंगा कि ऐसा कैसे हो गया ओके okay, क्लियर है सबको वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड तो माय डियर फ्रेंड और भी जो क्वेश्चन है वो मैं आपको आपको पता ही है कि मैं स्लाइड में आपको दे दूंगा क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड में क्वेश्चन है ये देखिए ये रहा क्वेश्चन है फिर ये क्वेश्चन है फिर ये क्वेश्चन है तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो माय डियर फ्रेंड मिलते हैं फिर मंडे को आपके नए सर के साथ मैथमेटिक्स टॉपिक के साथ तो तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए सुरक्षित रहिए अपना ख्याल रखिए थैंक यू ऑल फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन ये पूरे सीरीज में ये जो छोटी सी सीरीज हमारी चली थी एप्टीट्यूड की इस पूरे सीरीज में आपने पार्टिसिपेट किया आपने गलत हो सही हो आंसर बताया वेरी गुड वो मुझे बहुत अच्छा लगा और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आपने पूछने में कोई हिचकिचाहट नहीं बरती आपने पूछ लिया बहुत अच्छा लगा थैंक यू ऑल थैंक यू सो मच मीट यू वंस अगेन वेरी सुन थैंक यू ऑल थैंक यू थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय गुड नाइट थैंक यू एवरीवान थैंक यू सुपर बॉसम